जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपका स्मार्टफोन खो गया है या आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें और कैसे आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्मार्टफोन को सेफली वापस पा सकते हैं, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों स्मार्टफोन के गुम जाने की दो कंडीशन हो सकती हैं, दो कंडीशन पे मैं बात करूंगा। पहली कंडीशन होगी कि मान लीजिए आपका स्मार्टफोन घर में ही कहीं आपका या कहीं तकिए के नीचे या बेड के नीचे कहीं रख दिया आपने और फिर आप भूल गए हैं, अब आप ढूंढ रहे हैं, आपका स्मार्टफोन आपको नहीं मिल रहा है और स्मार्टफोन साइलेंट मोड पर भी है। और दूसरा केस जो दोस्तों होता है वो होता है ऐसा कि आपका स्मार्टफोन आउटडोर कंडीशन में कहीं बाहर खो गया है या फिर बाहर किसी ने चोरी कर लिया है, तो ऐसे केसेस में क्या करें। तो मैं यहाँ दोनों ही केस के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों हम जो पहला केस है, पहला केस के बारे में बात करते हैं कि यदि आपका स्मार्टफोन आपके घर में ही है, आप कहीं पे रख के भूल गए हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन घर में ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने किसी दूसरे स्मार्टफोन से या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को खोलना है या फिर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर में लॉगिन जाके करना है, उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जो जीमेल आईडी आपने अपने जो फ़ोन आपका गुम गया है उस फ़ोन में लॉगिन किया था, या फिर यदि आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपको आईक्लाउड में लॉगिन करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे आपको आपका डिवाइस का नाम आएगा, वहाँ पे जितने भी डिवाइस में आपने जीमेल आईडी को यूज़ किया होगा वो सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिवाइस चूज़ करना होगा कि आप किस डिवाइस को खोजना चाहते हैं। तो जैसे आप उस डिवाइस को देखेंगे तो उस डिवाइस आपका जो फ़ोन है, आपका फ़ोन का उसमें नाम आएगा, साथ में IMEI नंबर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस डिवाइस पर क्लिक करना है। उस डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, तीन से ज़्यादा भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर उस ऑप्शन में रहेगा रिंग बेल करने का। तो आप जैसे ही रिंग बेल पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, ज़ोर से रिंग करने लगेगा, और रिंग करने के साथ साथ जैसे वो रिंग करेगा वैसे आप अपने स्मार्टफोन को उठा सकते हो और आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे जो उसमें दूसरा ऑप्शन रहता है कि मान लीजिए आपको डर है कि कहीं आपका स्मार्टफोन का कोई डेटा यूज़ ना कर ले या फिर कहीं आपका कोई स्मार्टफोन का डेटा मिस ना हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे एक ऑप्शन और रहता है जहाँ से कि इरेज ऑल डेटा। तो आप रिंग बेल पे ना करके आप इरेज ऑल डेटा पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो फ़ोन का जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मतलब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जैसे आपका फैक्ट्री रीसेट होगा और वैसे फ़ोन क्या हो जाएगा, आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज जो निकल के आती है सामने वो होती है लॉक करने के लिए। तो आप वहां से अपने डिवाइस को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने अपने डिवाइस में कोई पासवर्ड नहीं डाला है और आपको डर है कि आपका डेटा या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो कोई ले सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, वहीं से ऑप्शन से क्या करते हो, डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। अब दोस्तों डिवाइस को लॉक करने के बाद एक और वहाँ पे फीचर आपको देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन मैसेज। मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं आउटडोर कंडीशन में घूम जाता है, अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे एक SMS छोड़ सकते हो कि ये हमारा डिवाइस खो गया है, ये डिवाइस किसी को यदि मिले तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अगर दोस्तों आपका फ़ोन अगर एक अच्छे इंसान को मिला होगा तो आपका फ़ोन वापस आ सकता है, वरना आपका फ़ोन वापस नहीं आ सकता है, तो ये सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें कब काम करती हैं। ये सारी चीज़ें तब काम करेंगी जब आप अपने फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस जो रहता है, एक ऑप्शन रहता है, उसको ऑन किए होंगे। यदि आप अपने स्मार्टफोन में फाइंड माई डिवाइस को ऑन नहीं किए होंगे, आपने उसको ऑफ कर दिया होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका फोन गुमने की स्थिति में भी उसके मिलने के चांसेस आपके सेल्फ से बहुत कम होते हैं। फिर इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फ़ोन मिलता है। अब देखिए फाइंड माई डिवाइस कैसे ऑन होता है, तो दोस्तों जब भी आप एक नया फ़ोन परचेस करते हैं तो उसमें फाइंड माई डिवाइस ऑलरेडी ऑन रहता है। यदि आपने अपनी सेटिंग के साथ छेड़खानी की होगी और वहाँ से जाके आपने फाइंड माई डिवाइस को ऑफ किया होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका फाइंड माई डिवाइस फ़ोन ऑफ हो जाए, अन्यथा आपका जो फाइंड माई डिवाइस है वो जब आप नया फ़ोन परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड डिफॉल्ट सेटिंग में ही वो क्या रहता है, ऑन रहता है। तो दोस्तों ये था पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि मान लीजिए आपका फ़ोन घर से बाहर आउटडोर कंडीशन में घुमा है या फिर चोरी हो गया या फिर कहीं आप ग्राउंड में जाके
उसको भूल आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार्टिंग जो मैंने आपको चार आपको जो स्टेप बताए हैं ये तो आपको लेना ही लेना है। इन स्टेप से यदि आपका फ़ोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, यदि आपका इन स्टेप से फ़ोन नहीं मिलता है तो आपको आगे क्या करना है, तो आगे आपको करना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके अपने फ़ोन का बिल ले जाके क्या करना है, उसको कंप्लेंट कर देनी है। यदि आपके पास बिल नहीं होता है तो आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर भी उनको दे सकते हैं। मान लीजिए आपका IMEI नंबर आपके पास नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी जिस GMAIL ID से उस फ़ोन लॉगिन किया था उसी GMAIL ID को क्या करना है, एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में ओपन करना है और वहां पे आपको जो अपने आपका जो फोन है जिस फोन आपको गुम गया है उस फोन पे क्लिक करना है। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपके फोन का IMEI नंबर आपको मिल जाएगा, तो वही IMEI नंबर आप जाके पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं ताकि वहां से वो क्या करेंगे उस डिवाइस को टोटली बंद कर देंगे। जब भी वो डिवाइस कोई व्यक्ति ऑन करेगा और किसी भी नेटवर्क से जुड़ेगा तो जब वो किसी नेटवर्क से जुड़ेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो फ़ोन पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, आपका फ़ोन वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका फ़ोन ले जाता है और उसको ऑन करता है, उसमें किसी भी ना तो इंटरनेट को यूज़ करता है ना ही उसमें किसी ऑपरेटर की सिम को यूज़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोन ढूंढ पाना संभव नहीं है, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो। जैसा कि आपको मूवियों में दिखाया जाता है कि फ़ोन को ट्रैक कर लिया जाता है, तो ऐसा आपका रियल लाइफ में संभव नहीं होता है। रियल लाइफ में तभी संभव होता है जब आपके फोन में फाइंड माई डिवाइस भी ऑन होता है और डिवाइस फाइंड माई डिवाइस ऑन होने के साथ साथ वो किसी भी किसी ना किसी नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ा होना चाहिए, चाहे तो इंटरनेट से जुड़ा हो या फिर उसमें किसी भी प्रकार की सिम यूज हो रही हो। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है आपका फोन और उसमें सिम वगैरह यूज नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में आपका फोन मिलने की संभावना कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही क्या हो जाती है, उसकी संभावना खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास अपने फ़ोन को लॉक करवाने के साथ साथ, आप क्या कर सकते हैं अपने फ़ोन को नया फ़ोन परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आपका फ़ोन गुम जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर बजाइए, और आपका कोई भी सवाल होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका हमारे लिए कोई सुझाव भी होता है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।